खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मैं सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, तीन चार सवाल हैं कि मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, स्कूल में छुट्टी थी, स्कूल क्यों खुले, सीमा त्रिखा मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आदेश दिए हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी, तो क्या कुछ जो फैसला जो है सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर लिया जा सकता है आगे? वाकई कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता। सबसे पहले मैं बात करूंगा, छुट्टी के दिन स्कूल जो है वो खुला, कहीं ना कहीं ये स्कूल की लापरवाही है। दूसरा, क्या आपका ड्राइवर नशा करता है, क्या आपने इसकी जांच नहीं कराई, या फिर जो आसपास के जो उनके कुलीग्स हैं ड्राइवर्स के और बसों के जो ड्राइवर हैं कंडक्टर्स हैं, वो क्या उनको जानकारी नहीं दी कि इस प्रकार से ड्राइवर नशा करता है? और इतनी सुबह सुबह अगर कोई ड्राइवर नशा करता है तो जाहिर सी बात है कि वो नशे का आदि रहा होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कहीं ना कहीं जो फिटनेस सर्टिफिकेट है बस का वो एक्सपायर है। फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर बात की जाए तो 30 अगस्त 2017 को भी इंश्योरेंस जो है वो भी वैलिड 30 अगस्त 2017 तक ही है, बस का इंश्योरेंस भी नहीं है। तो कमाल की बात है, तमाम चीजें किस प्रकार से सबके सामने, यानी कि स्कूल प्रशासन को तमाम चीजों की जानकारी होगी और उसके बावजूद ये लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की बिल्कुल यहाँ बनती है। और जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, तमाम तरह की जो हमने पहलू हैं उनकी जांच के आदेश दे दिए हैं, इसके साथ साथ जिस प्रकार से डीसी ने जो कहा है कि हम सिफारिश कर रहे हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द जो है वो कर दी जाए, तो ये सिर्फ यहाँ तक एक स्कूल की बात नहीं है राजश्री, ये वो तमाम स्कूल हैं जिनमें इस प्रकार से वाहन चलते हैं, जिनमें इस प्रकार की जो पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, क्या उन तमाम स्कूलों की बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे? ये भी एक बड़ा विषय है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तमाम जो परिवार के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी ढांढस बताते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। साथ साथ राजश्री जिस प्रकार से कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं तो कॉम्पनसेशन तो दिया ही जाना चाहिए, इसके साथ साथ तमाम वो चीजें सुनिश्चित करी जानी चाहिए जिनको लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान हर स्कूल के ऊपर खड़े होते हैं। आप चेक करिए कितने स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं पूरे प्रदेश में, उनमें कितनी ऐसी बसें मिलेंगी जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो कहीं ना कहीं। इस पर आगे भी बात करेंगे, इस पर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने क्या कुछ कहा इस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अक्षय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं कि बच्चों की हालत कैसी है। अक्षय, जो बच्चे घायल हैं अभी उनकी हालत कैसी है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? होती है, और जैसा कि बस ड्राइवर है वो बस में बच्चे लेकर जो राडली और दरुन्ना गांव है वहाँ से कनीना की तरफ जो स्कूल है वहाँ पर लेकर जा रहा था, तो पुनाणी गांव है वहाँ पर जो नहर लगती है उसके पास एक पेड़ है, वहाँ से बस टकराती है और उसके बाद पलट जाती है। जैसे ही बस पलटती है तो बस में करीब जो बच्चे हैं उनके अनुसार 40 से अधिक बच्चे उस बस के अंदर सवार थे, तो चीख पुकार जो मच जाती है, उसके बाद जो ग्रामीण और आसपास के जो राहगीर है वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं, कई गाड़ियां एम्बुलेंस की, पुलिस की और फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंचती है और एक एक कर घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल थे उनमें 15 लोगों को रेवाड़ी पहुंचाया जाता है और कुछ जो घायल है उनमें से 5 नारनौल भर्ती है और 2 को कनीना के अंदर भर्ती कराया गया है। ये जो जानकारी है जो शिक्षा मंत्री थोड़ी देर पहले सीमा त्रिखा महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में जो 6 जो बच्चों की मौत हुई है उनका जो पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई की जा रही थी वो खुद मौके पर पहुंची थी, परिजनों के साथ उन्होंने शोक व्यक्त किया है। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह समेत जो गणमान्य लोग महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल के अंदर मौजूद थे और जैसा कि परिजनों ने बताया कि जो बस का ड्राइवर था वो नशे की हालत में था और जो उसको एक जो खेड़े गांव लगता है पास में कनीना के वहां पर रोका भी गया था। हालत कैसी है अक्षय अभी? हालत जो गंभीर बताई गई और करीब 4 को जो आईसीयू के अंदर जो भर्ती किया गया है, तो ऐसे के अंदर जो उनकी जो लगातार देखभाल जारी है। शिक्षा मंत्री का बयान ये था कि अगर रेवाड़ी के अंदर उपचार की अगर बेहतर सुविधा नहीं हो पाएगी तो जो गंभीर रूप से घायल उनको गुड़गांव के अंदर रेफर किया जाएगा और वहां पर उनका ऑपरेशन या सर्जरी जैसा जो इलाज है वो करवाया जाएगा और फिलहाल जो पुलिस है उसके द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन परिजनों का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई थी कि ड्राइवर नशे की हालत में है, उसके बावजूद भी प्रबंधन ने स्कूल ड्राइवर को बस लाने के लिए कहा है, तो ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। तो ऐसे में
धारा 302 के अंदर जो मामला दर्ज किया जाना चाहिए। फिलहाल महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में 6 जो डेड बॉडी उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और सब वो उनके जो गांव है उनके तरफ जो रवाना कर दिए गए हैं जहां पर उनका। ठीक है, स्कूल प्रशासन ने कुछ कहा इस पूरे मामले पर या स्कूल प्रशासन से क्या लोग यहाँ पर पहुंचे थे? स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया। और दूसरा ये है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी से हमने बात की और साथ ही जो शिक्षा मंत्री उनसे बात की कि आज जो सरकारी छुट्टी थी इसके बावजूद जो स्कूल है वो कैसे लग रहा था, तो ऐसे उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई जरूर होगी और डिप्टी महेंद्रगढ़ की तरफ से भी सिफारिश की गई है कि जो स्कूल है उसकी मान्यता को रद्द किया जाए। शिक्षा मंत्री का भी यही कहना था कि शोकाज नोटिस स्कूल को जारी कर दिया गया है। ठीक है, महेंद्रगढ़ के जो जी अक्षय बने रहेगा हमारे साथ, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये बड़ी खबर कंगना हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बच्चों के मौत की खबर हृदय विदारक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के साथ परिवार जो है बेहद दुखी है और इस पर प्रधानमंत्री दुख जताते हुए नजर आए। और उनका ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रखे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ बस हादसा बेहद पीड़ादायक है, तो शोक संतप्त परिजनों के साथ मेरी संवेदना। ये प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की सहायता करे। करीना हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। ये सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जताया है जिसमें राष्ट्रपति ने लिखा है कि मैं घायल हुए बच्चों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करती हूं। चलिए, तो लगातार रवि और रक्षा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक तरह से देखा जाए तो जैसा कि आप बसों के फिटनेस टेस्ट की आप बात कर रहे थे, तो ऐसे में परिवहन विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। परिवहन मंत्री की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए परिवहन मंत्री की तरफ से इस पर रिएक्शन जरूर आया है और परिवहन मंत्री ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि हमने इसके लिए एक जांच कमेटी जो है वो बनाई जा रही है और जांच कमेटी की जैसे ही जांच आती है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस प्रकार की बात परिवहन मंत्री यहाँ कहते हुए नजर आए अश्विन गोयल। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो देखिए माफ कीजिएगा, ये किस प्रकार से पूरा जो मामला है और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो कई पहलू इस मामले में जुड़े होते हैं। जब भी किसी स्कूल की बस होती है तो कई चीजें उसकी टेस्ट कराई जाती हैं, यानी कि मेंटली हालत ड्राइवर तक की चेक कराते हैं लोग। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब जिस प्रकार से परिजन आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से अक्षय ने बताया है कि हमने इसकी सूचना भी दी थी कि ड्राइवर नशे की हालत में है, उसके बावजूद वो बस चला के लेकर आया है, तमाम बच्चों को लेकर जा रहा था, तो ऐसे में कहना है कि ये गंभीर विषय है। और इस प्रकार से जो भी ड्राइवर किसी भी स्कूल में लगाए जाते हैं तो उनकी कम से कम जांच होनी चाहिए जी। दूसरी बसों की हालत की अगर बात की जाए तो एक लिमिट पीरियड के लिए कहीं ना कहीं फिटनेस टेस्ट जो है वो इनका बसों का कराया जाता है ताकि उस समय पर आने वाले कुछ दिनों के बाद जब दोबारा टेस्ट कराया जाए तो कहीं ना कहीं पूरी वेरिफिकेशन उस बस की जाती है और उस व्हीकल की जाती है कि ये बस ये व्हीकल जो है वो चलने लायक है भी या नहीं। इस प्रकार की उस फिटनेस टेस्ट में तमाम चीजें जो है वो पास की जाती है। उसके बावजूद धड़ल्ले से अगर बसें चलती हैं, व्हीकल रोड पर चलती हैं तो ये हादसा होता है, तो कहीं ना कहीं उस व्हीकल मालिक की इसमें जिम्मेदारी बनती है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इसकी जिम्मेदारी बनती है। इस प्रकार से ये तमाम जो व्हीकल है दौड़ रहे हैं और खासकर स्कूलों की बस इस प्रकार से अगर सड़कों पर दौड़ती रही, कहीं ना कहीं 40 से 50 बच्चे जिस प्रकार से अक्षय बता रहे थे इस बस में थे, क्या उस सिटिंग कैपेसिटी की भी वो बस है? ये भी सवाल होता है कि कितनी सिटिंग कैपेसिटी उस बस में है या सिटिंग कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों को उस बस में ले जाया जा रहा है। तमाम पहलू है, ये जांच का विषय है और किस प्रकार से जांच हरियाणा सरकार कराती है, किस प्रकार से जांच होती है। बिल्कुल, और यही तमाम लापरवाही का नतीजा है कि 6 मासूमों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई बच्चे जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, अभी भी 4 बच्चे आईसीयू में हैं ऐसा बताया जा रहा है, जिनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, जिला शिक्षा अधिकारी से जब आपने बातचीत की थी तो उनका क्या कुछ कहना था? और बच्चे अस्पताल में भर्ती है, क्या स्कूल प्रशासन का कोई व्यक्ति पहुंचा है उनसे मिलने के लिए, परिजनों से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए? बिल्कुल, जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसका यही कहना है कि हमने नोटिस जो स्कूल है वो जारी कर दिया गया है,
वही जो शिक्षा मंत्री उनकी तरफ से भी यही आश्वासन दिया गया है, उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और साथ ही महेंद्रगढ़ की जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता के द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हमने स्कूल को सौ का नोटिस को जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने सिफारिश भी की है कि मैं हरियाणा सरकार से सिफारिश करती हूँ की मान्यता को रद्द किया जाए, क्योंकि सरयाम जो स्कूल के जो बस थे उसके जो कागजात नहीं थे उनकी धज्जियां उड़ाए, साथ ही जो संख्या थी उससे अधिक जो बच्चे हैं उस पर बस के अंदर बैठे थे, साथ ही जो आज सरकारी छुट्टी थी उसके बाद जो स्कूल लगाया गया तो कई प्रकार की जो अवहेलना उठी गई, साथ ही जो ड्राइवर नशे के अंदर था उसकी सूचना जो स्कूल प्रबंधन तक पहुंचती है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरतता है और जो बस ड्राइवर को कहता है कि बस लेकर स्कूल तक आ जा, तो ऐसे के अंदर जो कई तरह के सवाल उठते हैं। तो ग्रामीणों में भी रोष देखने को मिला था और महेंद्रगढ़ के उनानी मोड़ पर ग्रामीणों के द्वारा इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जाम लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने उनको समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया गया था। उसके बाद ही उनको आश्वासन भी दिया गया था कि शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार उनके बीच पहुंचेगी तथा उनकी जो जितनी भी समस्या है उनको सुनेगी। तो उसके बाद जो शिक्षा मंत्री और रेवाड़ी में भी पहुंचती है और वहां पर भी जो घायल 15 बच्चे हैं उनका हालचाल जानती है। उसके बाद कनीना के अंदर जो 2 बच्चे एडमिट थे उनका हालचाल जानती है। उसके बाद 6 बच्चे थे उनका जो पोस्टमार्टम महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल के अंदर होना था, क्योंकि जो महेंद्रगढ़ का और जो कनीना के जो पोस्टमार्टम हाउस है वो सौगर है वो महेंद्रगढ़ के अंदर, तो ऐसे में परिजन मृतकों के यहाँ पर थे उनसे जो मिलने के लिए वो आई थी। साथ ही उनसे मांग भी की गई थी कि कोई आर्थिक सहायता की जाए, तो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई सहायता इस समय भी जरूर बनती होगी तो की जाएगी। साथ ही किसी भी दोषी को इस पूरे मामले के अंदर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये सवाल जरूर है कि जब कोई हादसा होता है तो उस समय प्रशासन बड़े बड़े दावे जरूर करता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद मामला शांत होता हुआ नजर आता है। चलिए इंतजार करना होगा, इसके लिए तमाम तरह के आश्वासन मिले। अब तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भी इस पर सोशल मीडिया पर दुख जताया है, कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। सीमा त्रिखा पहुंची हुई है, वहां पर बच्चों से मिलने के लिए पहुंची थी। वहीं दूसरी तरफ बसों के फिटनेस की जांच होनी भी बहुत जरूरी है। स्कूल प्रशासन पर क्या कार्रवाई होती है, खैर ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अक्षय आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन, बस की फिटनेस की अनदेखी क्यों की गई, ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब अहम बात यह भी है कि आज स्कूलों की छुट्टी है, उसके बावजूद स्कूल क्यों खोले गए। अब बसों की फिटनेस की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये भी कई तरह के सवाल हैं। अब 40 बच्चों की जिंदगी के साथ लापरवाही क्यों, क्योंकि 6 बच्चों की मौत हो गई इस पूरे मामले पर। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज इनका जारी है। और सरकार की तरफ से अब निर्देश दे दिए गए हैं कि स्कूल की लापरवाही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। तो हादसे में 6 छात्रों की मौत, 15 गंभीर रूप से घायल हैं। कनीना के पास ये हादसा हुआ है, स्कूल बस पलटने से हादसा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि स्कूल प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर दुख जताया है और कहा कि मौत की खबर हृदय विदारक है।